एक गांव था इस्लामपुर, जहां अब्दुल्ला नाम का एक गरीब परिवार रहता था। उसके दो बच्चे थे, बेटी रेशमा और बेटा राहिल। अब्दुल्ला का परिवार बहुत ही गरीब था। अब्दुल्ला खेती किसानी में मजदूरी का काम किया करता था। वो जो पैसे कमाता उससे अपने परिवार का पेट पालता था। बाबा ये लीजिए, पानी पी लीजिए। माशाल्लाह मेरे बेटे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पानी पीके तो ऐसा लगा है जैसे सारी थकान ही मिट गई। बेटी रेशमा, ओ बेटी रेशमा, कहाँ हो, इधर तो आइए। जी बाबा। तभी उसकी बीवी सकीना आती है। आ गए आप? अरे आज मकान मालिक आए थे, वो इस महीने का किराया मांग रहे थे और पिछले महीने का भी कह रहे थे, और कह रहे थे कि किराया नहीं दिया तो अगले महीने खाली करना पड़ेगा तुम्हें ये घर। या अल्लाह हमारी मदद अता फरमा। ठीक है, मैं कल अपने मालिक से बोलता हूँ, वो कुछ ना कुछ इंतजाम जरूर कर देंगे। अगले दिन अब्दुल्ला अपने मालिक से बोलता है। मालिक मालिक, मुझे कुछ पैसे मिल जाते उधार तो मैं अपने घर का किराया दे पाता। अहो अब्दुल्ला भाई, घर में कोई परेशानी है? हाँ मालिक, मैं इतने नहीं कमा पाता हूँ, अपने परिवार को पेट भर खाना भी नहीं खिला पाता। दो वक्त की रोटी का जुगाड़ कैसे होता है ये तो मेरा अल्लाह जाने। घर का भी किराया है, उसी का कर्जा हो गया है, अगर पैसे न दिए तो घर का मालिक हमें घर से निकाल देगा। अच्छा तो ये बात है, तुम एक काम क्यों नहीं करते, ये दो बकरी के बच्चे हैं, तुम इन्हें ले जाओ और बड़ा करना, उन्हें अच्छे दामों में बेचना, जिससे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। अल्लाह तुम्हारी मदद अता फरमाए। इस तरह अब्दुल्ला वो दोनों बकरी के बच्चे अपने घर ले आता है, जो देखने में बहुत ही खूबसूरत होते हैं। ये देखकर राहिल और रेशमा बहुत खुश होते हैं। बाबा बाबा, ये बकरी के बच्चे तो बहुत ही खूबसूरत है। मेरे दिल में कई दिनों से हसरत थी कि मैं बकरी के बच्चे लाऊं, लेकिन घर की तंगस्ती को देखकर मैं आपसे बोल नहीं पाता था। बाबा मैं चाहता था कि बकरी के बच्चे लाऊं और उन्हें पालूं, उनके साथ खूब खेलूं, पर आज अल्लाह ने ये मेरी तमन्ना पूरी कर दी। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है। इन बकरी के बच्चों को मैं पालूंगा, इनके साथ खूब खेलूंगा। ठीक है बेटा, इनकी तुम्हें ही खिदमत करनी है, शायद ये हमारी किस्मत बदल दे। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों को जंगल ले जाता है और उन्हें हरे पत्ते खिलाता है। बाबा बाबा कहाँ हो? बाबा क्या हुआ बेटा? बाबा बाबा, मैं इन दोनों में से एक का नाम रखूँगा बादल और एक का नाम बादशाह, ठीक है ना बाबा? बेटा जैसी तुम्हारी मर्जी, अब ये तुम्हारी अमानत है और तुम्हारा खिलौना भी, उनका अच्छे से ध्यान रखना। ठीक है बाबा, मैं इनका अच्छे से ख्याल रखूँगा। राहिल उन दोनों बकरी के बच्चों के साथ खूब खेलता, वक्त कैसे पंख लगाकर उड़ जाता है पता ही नहीं चलता। वो अब दोनों बकरे बड़े हो गए थे। अम्मी जान, आप कहाँ हो, आइए ना यहाँ। क्या हुआ बेटा? अम्मी जान, बादल और बादशाह ये दोनों तो बड़े हो गए, लेकिन मैं क्यों नहीं बड़ा हुआ अम्मी जान, बताइए ना। सकीना हंसते हुए, अरे बेटा जानवर जल्दी बड़े हो जाते हैं और इंसान के बच्चे जल्दी बड़े नहीं होते। तुम्हारे बाबा होते तो ऐसे में ये देखकर बहुत खुश होते कि उनके लाए हुए बकरे आज बड़े हो गए हैं और बहुत ही खूबसूरत हो गए हैं। अच्छा अम्मी जान, बादल और बादशाह को घुमाने के लिए ले जाता हूँ। ठीक है बेटा, जंगल में ज्यादा दूर नहीं जाना और उस टूटे हुए पुल की तरफ तो बिल्कुल भी मत जाना। वो तीनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। राहिल बादल और बादशाह को हरे हरे पत्ते तोड़कर खिलाता है। कुछ देर बाद राहिल को भी भूख लगने लगती है। तभी राहिल के मन में उस पुल को पार कर जाने की लालसा होती है, जहां बहुत सारे आम के पेड़ होते हैं, पर वहां जाना खतरे से खाली नहीं होता, क्योंकि वहां का पुल काफी पुराना हो चुका था, जिससे टूटने का खतरा था। चलो बादल और बादशाह, आज तुम्हें मेरा पेट भराना है। राहिल बादल की पीठ पर बैठकर पुल की ओर चल पड़ता है। जैसे ही पुल के ऊपर चलता है तो पुल आवाज करने लगता है। बादशाह बादशाह, अल्लाह ये क्या हो गया, बादशाह मुझसे पिछड़ गया, अब मैं कैसे जीऊंगा, या अल्लाह रहम फरमा रहम। राहिल और बादल घंटों उस नदी की ओर देखते रहते हैं, लेकिन बादशाह का कुछ अता पता नहीं चलता। पानी का बहाव इतना तेज था कि बादशाह दिखाई नहीं दिया। वो दोनों घर की ओर जाते हैं, रोते हुए जैसे राहिल और बादल घर पहुंचते हैं। बेटा राहिल, तुम्हारे कपड़े गीले क्यों हैं और बादशाह कहाँ है? लगता है तुम लोगों ने बाहर ही खड़ा कर दिया है मेरे बादशाह को। सकीना बाहर जाकर देखती है तो वहाँ कोई नहीं होता है, और वापस आकर देखती है तो राहिल की आँखों में आंसू थे। राहिल, बादशाह कहाँ?
कहाँ है? जल्दी बताओ बेटा, मेरा दिल बैठा जा रहा है। राहिल अम्मी जान से लिपट कर जोर जोर से रोने लगता है। अम्मी जान, बादशाह को हमने खो दिया अम्मी जान। क्या कह रहे हो राहिल, ऐसा कैसे हो गया मेरे बेटे? वो तो तुम्हारे बाबा की निशानी थी, उसका तुमने कैसे ध्यान नहीं रखा? अम्मी जान, सारी गलती मेरी है। आपने मुझे उस पुल की तरफ जाने के लिए मना किया था। आपकी बात ना मानने की मुझे सजा मिली है। काश मैं मर गया होता। मेरी आंखों के सामने मेरा बादशाह नीचे गिर गया और मैं कुछ नहीं कर पाया। अम्मी जान, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ और बाबा का भी। राहिल रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है। आज तुम्हारा भाई बादशाह इस दुनिया से चला गया, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते। या अल्लाह, मुझे सब्र अता फरमा। राहिल गमगीन रहने लगा। बादशाह की जुदाई ने राहिल को बिल्कुल ही तोड़ दिया। बादल और बादशाह के बिना तो मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि मैं भी उस नदी में बह क्यों नहीं गया। अब उनकी जुदाई मुझे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। राहिल और बादल घर के बाहर भी होते हैं। वो क्या देखता है कि सामने से बादशाह उसकी ओर दौड़ कर आ रहा है। राहिल उसे देखकर बहुत खुश हो जाता है और उससे लिपट कर रोने लगा है। बादशाह, बादशाह तुम कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? तुम्हारी जुदाई में मुझे जिंदा लाश बना दिया था। बादल नहीं होता तो शायद मैं भी इस दुनिया में नहीं होता। अम्मी जान, बाबा और बादल का ख्याल आ जाता है, बस इसीलिए मैं जिंदा हूँ। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तुम जिंदा हो। इतने में सकीना बाहर आ जाती है। अम्मी जान देखो, बादशाह हमारे पास लौटकर वापस आ गया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। या अल्लाह, तूने मेरी दुआ सुन ली, हमारा बादशाह हमारे पास लौटा दिया है। या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। वो चारों बहुत ही खुश होते हैं और अल्लाह से हाथ उठाकर दुआ करते हैं। अल्लाह हमारी किसी भी प्यारी चीज को हमसे जुदा ना करे। और एक बार फिर उनका परिवार पूरा हो जाता है। कुछ दिन बाद बकरा ईद का त्योहार नजदीक आ जाता है। बादल और बादशाह में से किसी एक को उन्हें बेचना था, लेकिन वो सोच नहीं पा रहे थे कि किसे बेचे। दोनों सबके दिलों की जान थे। एक दिन अब्दुल्ला दोनों बकरों को लेकर मंडी जाता है। राहिल उन दोनों बकरों को बेचने के लिए मना करता है, लेकिन घर के हालात इतने बिगड़ गए थे, अब्दुल्ला के सर पर बहुत सारा कर्जा हो चुका था। अब्दुल्ला दोनों बकरी को लेकर मंडी जाता। मंडी में अब्दुल्ला खड़ा होता, तभी एक शख्स आता। माशाल्लाह, वल्लाह, आपके दोनों बकरे बहुत ही खूबसूरत है, क्या आप इन्हें मुझे देंगे? नहीं, मैं सिर्फ दोनों में से एक को ही बेचूंगा। पर ऐसा क्यों भाई? मेरे सर पर कर्जा है, इसीलिए मुझे अपनी अजीज चीज को बेचना पड़ रहा है। ठीक है, फिर आप एक ही दे दो। खरीददार पैसे निकाल कर दे देता है और बकरे की रस्सी अपने हाथ में ले लेता है। जैसे ही वो रस्सी लेता है तो बादल अब्दुल्ला से लिपट कर रोने लगता है। ना मेरे बेटे, रोते नहीं, तेरी जुदाई भी मुझे तड़पाएगी, मुझे माफ कर दे। बेटे, तेरी आज कीमत लगाई है, मैं तेरा गुनहगार बन गया हूँ। या अल्लाह, मुझे माफ कर दे। ये देखकर खरीददार की आंखें भी नम हो जाती हैं। अरे अब्दुल्ला भाई, आप दोनों की मोहब्बत देखकर मेरा भी दिल भर आया। आप इन बकरों को बेचना क्यों चाहते हैं? ये मेरे दिल के टुकड़े हैं। दिल के टुकड़ों को कोई बेचना नहीं चाहता, लेकिन कुछ मजबूरियां उन्हें घेर लेती है, तभी ये काम करना पड़ रहा है। घर के हालात भी ठीक नहीं है, मेरे सर पर घर का कर्ज हो चुका है, इसीलिए मुझे इन्हें बेचने के लिए लाना पड़ा। अब्दुल्ला भाई, ये लीजिए 50,000 रुपए मेरी तरफ से, आप अपना कर्ज उतार दीजिए। ये मेरी तरफ से है, इस बार मैं कुर्बानी नहीं दूंगा, मेरा सदका ही कबूल अता फरमाए अल्लाह। और वो तीनों खुश हो जाते हैं और घर के लिए आ जाते हैं। या मेरे अल्लाह, तू बहुत ही रहीम और करीम है, तू गरीबों की सुनने वाला है। इस तरह से अब्दुल्ला के सर से सारी उधारी उतर जाती है और बादल बादशाह भी नहीं बिकते। बेटा राहिल, बकरा ईद नजदीक आ गई है। हाँ अम्मी जान, मैं जानता हूँ आप मुझसे क्या कहना चाहते हो। ये पत्थर मैं अपने सीने पर जरूर रख लूँगा। मैं जानता हूँ मुझे अपनी प्यारी चीज अल्लाह को कुर्बान करनी है। माशाल्लाह मेरे बेटे, तुम जैसा बेटा हर एक माँ को दे। घर के बाहर कसाई खड़ा होता है और आवाज देता है। राहिल, बादल और बादशाह को ले आओ, अब अल्लाह के घर जाने का वक्त हो गया है। वो चारों मिलकर खूब रोने लगते हैं।
बादशाह बादल, तुम्हें मैंने अपनी जान से भी ज्यादा चाहा है। दुनिया में सबसे मेरी प्यारी चीज तुम ही हो, और वो भी अल्लाह की राह में तुम्हें कुर्बान कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी प्यारी दोनों चीजों को कबूल अता फरमाओ। मेरी जान इस दुनिया से अच्छा अल्लाह का घर है, जहाँ हम जरूर मिलेंगे। सही कहा मेरे बेटे, मरने के बाद अल्लाह तुम्हें तुम्हारी प्यारी चीज अता फरमा देगा। तुम तीनों जन्नत की वादियों में खूब खेलना, वहाँ तुम्हें कोई जुदा नहीं कर पाएगा। हमेशा तुम्हारे बादल और बादशाह तुम्हारे साथ रहेंगे, और हाँ, पुल सिरात रास्ता में भी तुम्हें पार कराएंगे, जो तलवार से भी ज्यादा तेज और बाल से भी बारीक है। इस तरह वो दोनों अल्लाह की राह में हाथ उठाते हुए बादशाह और बादल के लिए दुआ करते हैं। हमारे बादल और बादशाह को अल्लाह मकाम अता फरमाए। या अल्लाह, हमारे गुनाहों को माफ अता फरमा, हमें नमाज और कुरान पढ़ने की तौफीक अता फरमा, हमारा दिल गुनाहों से पाक अता फरमा, और कुर्बानी कबूल अता फरमा, हर एक गरीब की गरीबी को दूर अता फरमा। इस तरह वो लोग बादल और बादशाह को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देते हैं।